आप लोगों ने देखा था मेरा पहला वीडियो जो ग्रेनाइट के पत्थर को हम चिपका रहे थे, तो सभी पत्थर को मैंने चिपका लिया था। और इनका ये सब जो पत्थर है मैंने भी मोल्डिंग कर रहा हूँ, इसका रफ है अभी, ये फिनिशिंग नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल रफ है। वो दिखा देता हूँ कि हम लोग मोल्डिंग कर रहे हैं कौन कौन सा बट्टी इस्तेमाल करते हैं ग्रेनाइट मोल्डिंग करने के लिए, हम लोग कौन कौन सा जो बट्टी होता है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं अभी इसमें ये वाला कटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया हूँ, ब्लेड है। आप इसको चाहें तो कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है, देख सकते हैं ज़्यादा दाग इसमें नहीं आएगा और कटिंग करने में आसान रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, साठ। साठ को इस्तेमाल करने के बाद कैसा होगा वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद 120, 120 को मारने के बाद ये वाला कैसा आएगा वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद 320, यहाँ पर आप देख सकते हैं 320, और अंतिम में ये वाला मट्टी मारते हैं हम 400। इसके अलावा दोस्तों ग्रेनाइट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रेनाइट है, उसके हिसाब से और भी बट्टियाँ मारने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप इतना सारा बट्टी मार लिए हैं उसके बाद भी लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो आप मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती को लगाइए, उससे लाइट आएगा। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम इसको मोल्डिंग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। कि अपना सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ज़रूरी है, तो उसके लिए हम ये गमछा का इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले अपना सर को ऐसे बांध लेंगे, ऐसे बांध लिए, और ये गमछा ही हमारा मास्क का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें धूल उड़ता है जब हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी धूल उड़ता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, काम तो है ही लेकिन स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट देन आवर वर्क, है ना, फर्स्ट सेफ्टी ज़रूरी है। तो अभी हम ऐसा, सर भी मेरा ढक गया, और अब हम इसको इस तरह से बांधेंगे और इस तरह से इधर फंसा देंगे, तो मेरा नाक भी पूरा तरह से कवर हो गया है और पूरी तरह मैं अब सेफ हूँ। हमारा जो काम होगा इसमें धूल अंदर नहीं जाएगा। तो और इसके अलावा आप सेफ कर सकते हैं, अपना ग्लास लगा सकते हैं, जो ग्लास होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला पत्थर इस्तेमाल, कटिंग के लिए ये वाला बट्टी इस्तेमाल कर लिया हूँ। अब मैं 60 को मारूँगा, आप लोग देख सकते हैं 60 नंबर, तो अब 60 लगाने जा रहा हूँ, उसके बाद कैसा होगा आप देखिएगा। दोस्तों अभी मैंने 60 नंबर का बट्टी लगाया हूँ, आप लोगों ने देखा 60 लगाया, उसके बाद इस तरह का पॉलिश में हुआ। उसके बाद हम 120 लगाएंगे, आप लोग देखिए 120।
दोस्तों आप जो भी इसमें रफ था पूरी तरह से रफ खत्म हो चुका है 120 मारने के बाद। अगर पत्थर और ज़्यादा हेवी हो तो इसमें आप 220 भी मार सकते हैं। अभी मैं 120 मारने के बाद अब इसमें पॉलिशिंग के लिए पैड लगाऊंगा, जो कि सबसे पहला है 320 लगाऊंगा। उसके बाद ये 320 लगाया, उसके बाद मैं 400 का लगाऊंगा। अब मैं 400 लगाऊंगा। अगर दोस्तों आपका ग्रेनाइट में रंग नहीं आ रहा हैवी है, तो आप मोमबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती को लगा लीजिए ब्लेड में, उसके बाद घिसने काम कीजिए। लेकिन ये वाला पत्थर उतना हैवी नहीं है, तो इसमें नॉर्मल से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो कैसे होता है, तो मैं आपको मोमबत्ती का भी दिखा देता हूँ। आप इस तरह मोमबत्ती जो मिलता है बाज़ार में उसको लीजिए और इस तरह से ब्लेड में उसको रगड़ दीजिए, या तो यहाँ भी रगड़ सकते हैं, लेकिन आप ब्लेड में ही रगड़ दीजिए। और उसके बाद ऐसे इसको रगड़ देने से उसके बाद इससे काम कीजिए। अगर आपका पत्थर हैवी है तभी, नॉर्मल है तो आप इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे यूज़ करना है जिससे लाइटिंग बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हमारा पत्थर में देखिए ये लाइट आ चुका है, फिर भी मैं इसमें यूज़ करके दिखा रहा हूँ कैसे आता है। इस तरह से आपके पत्थर में आसानी से लाइट आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ ये कैसा होता है। तो फाइनली दोस्तों ये पॉलिश हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह का इसमें कलर है जो भी है इसमें, और इनर कलर आपको दिख जाएगा। आप चाहेंगे तो ये सिर्फ दो बत्ती मार के भी इस तरह का पॉलिश ला सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। आप चाहेंगे तो सिर्फ 60, 120 और 300, इन तीन बत्ती को ही मार के आप पॉलिश ला सकते हैं। मात्र 60, 120 और ये तीन, इन तीनों को मार के आप पॉलिश कर सकते हैं।